45 देख लीजिए। 3/7 का मतलब गुणा होता है 4/11, का मतलब गुणा 4/9 गुणा 103950, ठीक है, 103950 इसको सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करिए इसको। 3 से तो ये कट गया 3 बार में, 3 बार में कट गया। अब इसको अगर देखें जोड़ के, तो 9 और 5, 9 तो कट जाएगा 3 से, और 5 और 1 6 कट जाएगा 3 से, मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 से अगर कट जाएगा तो इसको काट ही लेते हैं। 3 3 9, 1 पे 3 13, 3 चौको 12, 1 पे 9 19, 3 6 18, 1 पे 5 15, तो 3 5 15 0। ठीक है, अब अगर 7 से इसको काट के देखें, 7 से अगर इसको काटते हैं तो 7 का 7, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 6 बचा, 6 पे 6 66, 6 पे 6 66, तो हो गया 7 नवा 63। 63, 3 बचा, 3 पे 5 35, तो 7 पचे 35 0। अब अगर इसको 11 से काटें तो 11 से कितनी बार में कटेगा देख लें, कट सकता है कि नहीं। 11 चौको 44, 5 बचा, 5 पे 5 55, 11 पचे 55, तो 450, 450 बार में कट गया। तो 450 का 4 गुना कितना होता है, 450 को 4 में गुणा करेंगे, 450 का दुगना हो गया 900, और 900 का दुगना हो गया 1800, 900 का दुगना कितना हो गया 1800, तो क्या आ गया 4 × 1800, और 18 का 4 गुना क्या होता है, 18 में 36 दूनी 72, 7200। तो 7200 किसी में दिया है, 7200 किसी में नहीं दिया है, अर्थात इसका क्या उत्तर होगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 45 का ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं आएगा उत्तर।